दोस्तों जिस दिन राजा का शिकार का प्रोग्राम होता था उस दिन उनके साथ पूरा एक लवाजमा चलता था, और उस लवाजमे में उनके बहुत सारे सैनिक और आसपास के जो आदिवासी लोग थे वो उनमें सहयोग करने के लिए आगे रहते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टॉक्स मीडिया में। और आज हम आपको लेके आए हैं राजा महाराजाओं की दुनिया में। बिल्कुल सही सुना आपने, राजा महाराजाओं की दुनिया में मतलब रामायण काल से लेके महाभारत काल में और अभी तक जो जो कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि पहले जो है क्षत्रिय राजा महाराजा जो है किस तरह से आखेट करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और उसी शिकार ओदी के ऊपर आज हम आपको लेके आए हैं। आप पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये पूरे वीडियो में बने रहे, बहुत अच्छी रोचक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, और निश्चित रूप से आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत रोमांचित होने वाले हैं आप। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। साथियों, इस ओदी का निर्माण आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व यानी 1800 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा कराया गया था। ऐसा आसपास के जानकार गांव के लोग बताते हैं कितना अविश्वसनीय लगता है कि उस समय संसाधनों की इतनी कमी होने के बावजूद इतने घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह का निर्माण कराया जा सकता है। चारों तरफ से घने जंगल, झाड़ियों एवं अनेक वनस्पतियों से आच्छादित ये ओदी का नज़ारा बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक लगता है। अब आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे शिकार ओदी को। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस समय भी जो है यहाँ पे चित्र उकेर कर पेड़ पौधों के चित्र पत्ते बनाकर सौंदर्यकरण किया गया है। ये जो आप होल देख रहे हैं यहाँ से जो है अंदर बैठ के निशाना लगाया जाता था। ये यहाँ बंदूक रख के या जो भी हथियार उसको रख के यहाँ से निशाना लगाया जाता था।
अच्छे से करता हूँ। बाहर से पूरा व्यू देखने के बाद अब हम आपको होदी के अंदर लेके चलते हैं, वहाँ देखते कि किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये ओदी का मुख्य द्वार है। बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। जैसे ही अंदर आते हैं, अंदर सीढ़ियां हैं और देख रेख नहीं होने की वजह से जर्जर हालत में है। बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ उग आए हैं। अब यहाँ पहला एक कमरा बना हुआ है, उसका गेट है ये। अंदर जाके देखते हैं क्या है। अभी भी इसका जो प्लास्टर है वो बिल्कुल अच्छी हालत में है और देख के लगता है कि चूने का प्लास्टर चढ़ाया गया है। और चूने का प्लास्टर बहुत मजबूत होता है। लोगों ने अपने नाम वगैरह लिख के इसको ख़राब कर दिया है। ये जो होल देख रहे हैं आप, यहाँ से निशाना साधा जाता था शिकार के ऊपर और इनको टेपर देके इस तरह से बनाया गया है। ये देखिए आप, टेपर देखे ताकि किसी भी एंगल से शिकार पर निशाना लगाया जा सकता है। इसके चारों तरफ इस तरह के होल बनाए गए हैं जहां बंदूक की नाल रख के निशाना लगाया जाता था। अब आपको ऊपर ले चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या देखने को मिलता है। एक होल और ये, यहाँ से देखिए आप व्यू, सब तरफ जो है इस तरह के होल बना रखे हैं। अब अपन ऊपर देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। वाओ, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है पहाड़ों का और बिल्कुल मन को मोह लेने वाला नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। इससे ऊपर और सीढ़ियाँ हैं। यहाँ झरोखे जैसा डिज़ाइन बनाया गया है। दोस्तों, जिस दिन राजा का शिकार का प्रोग्राम होता था उस दिन उनके साथ पूरा एक लवाजमा चलता था और उस लवाजमे में उनके बहुत सारे सैनिक और आसपास के जो आदिवासी लोग थे वो उनमें सहयोग करने के लिए आगे रहते थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी जो शिकार ओदी है इसके आसपास जो है घना जंगल है और इन जंगलों में जो है बहुत सारी बार जो है शिकार जो है जंगली जानवर जो है, जंगली सूअर है, शेर है, वो कहीं कहीं छुप जाते थे या एक तरह से आँखों से ओझल हो जाते थे। उस समय जो आदिवासी जो लोग थे वो
एक तरह से हाका करके ओदी की तरफ जो है शिकार को भेजने की कोशिश करते थे, ताकि जो है शिकार दिख जाए और उसका शिकार करने में आसानी रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही महीन तरीके से कारीगरी की गई है और बहुत सुंदर इस ओदी का निर्माण किया गया है, और कई न कई देख रेख के अभाव में या जानकारी नहीं होने की वजह से इस के अंदर जो है बहुत सारे झाड़ झाखड़ जो है उग गए हैं और कई न कई इसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि इनको बचाने की कोशिश की जानी चाहिए, इनको संरक्षण मिले। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये आज हम बना नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं जो ये बने हुए प्राचीन धरोहर है उनको बचाने का प्रयास सरकार को भी करना चाहिए, आम जन को भी करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है इस तरह की धरोहर जो है हम उपहार के रूप में दे पाएँ। ये शिकार ओदी का बिल्कुल जो ऊपरी मंजिल है वहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कई जगह 3 मंजिल 4 मंजिल तक की शिकार ओदी बनाई जाती थी उस समय, और ये जो ओदी है ये लगभग 2 मंजिल ओदी बनाई गई है। और उस समय क्योंकि राजा महाराजाओं के लिए मनोरंजन के जो साधन थे वो आखेट थी, शिकार थे, या बहुत सारी बार गांवों के अंदर जंगली जानवर बहुत परेशान करने लग जाते थे, तो उस समय भी जो है उनका जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। कुछ इस उद्देश्य से इस तरह की जो है शिकार ओदी बनाई गई थी। कई कई दिनों तक शिकार नहीं मिलने की स्थिति में या रात में अगर यहीं रुकना होता था तो उसके लिए सभी सुविधाएँ थी। ये आप जो देख रहे हैं एक टॉयलेट है जिसका ऊपरी मंजिल के ऊपर निर्माण किया गया है। उस समय भी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है और हवा के लिए जो है एक बहुत बड़ी एक खिड़की का निर्माण यहाँ किया गया है। आज मेरे बड़े बेटे ने भी वीडियो बनाने में बहुत सहयोग किया और इनको भी बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए जानते हैं उनसे उन्हें कैसा लगा। मुझे भी ये शिकार ओदी देख के बहुत अच्छा लगा। मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ, बाकी तो मैंने सिर्फ सुना था कि यहाँ पे राजा महाराजा शिकार करते हैं। अब आपको ओदी के टॉप फ्लोर पर ले जाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि किस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। ये बिल्कुल टॉप पर हम आ गए हैं।
यहाँ से नज़ारा जो है बहुत विहंगम और ऐसा लगता है जैसे किसी हिल स्टेशन पे हम आ गए हैं। जब हमारे आसपास ही इतना सुंदर और शानदार नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों, तो किसी हिल स्टेशन पे मुझे नहीं लगता कि जाने की आवश्यकता है। चारों तरफ घने जंगल, हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, बहुत अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर नज़ारा। अगर आपको भी ये जगह अच्छी लगी है तो ज़रूर आइएगा, और थोड़ा यहाँ आने में दिक्कत तो रहने वाली है क्योंकि जंगली इलाका है। दोस्तों यहाँ आने के लिए आपको पहले केलझर शिवधाम आना पड़ेगा, और केलझर शिवधाम से पहले लगभग 500 मीटर पहले जो है मुख्य सड़क से जो है आपको राइट टर्न लेना है, और जैसा कि पहाड़ के ऊपर है तो आपको दूर से ही जो है ये दिखाई देगी। और केलझर शिवधाम के लिए आप जो हमारा पहला वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, और इस तरह के बहुत सारे वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। जो धरोहरें जो है कहीं ना कहीं उनको संरक्षण की ज़रूरत है, इस तरह के हमारे प्रयास रहेंगे। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो पे आप नोटिफिकेशन मिलता रहे।